नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं। आज हमारे सामने हमारे जीवन में जो संबंधी बनकर आए हैं, वो चाहे हमारे पत्नी के रूप में हो, या पति के रूप में हो, या संतान के रूप में हो, हमारे परिवार के जो सदस्य बन चुके हैं, उनका हमारे प्रति कैसा व्यवहार रहता है और हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इनको कभी भी भूलें नहीं, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि भूलने से परेशानी ही परेशानी है। आप अपने जीवन को काट नहीं पाएंगे, व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे सामने अगर हमारे लाइफ पार्टनर के रूप में या फिर हमारे संतान के रूप में जो आत्मा आई है, वो हमारे अपने ही कर्मों के फल स्वरूप आई है, ये बात हमें समझनी होगी। हम कर्म करते समय बिल्कुल नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, जब हम अपने लाइफ पार्टनर का व्यवहार अपने प्रति देखते हैं कि वो हमारे कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, हमारी बात मानते हैं, हमारे सुख दुख का ध्यान रखते हैं, हमारे अध्यात्म के मार्ग में, हमारे भक्ति के मार्ग में हमारे सहयोग करते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वो जो जीव है, वो जो आत्मा है, वो हमारे सत्कर्मों के कारण हमें मिला है। क्योंकि हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें हम पुण्य के रूप में मान सकते हैं, और पुण्य का फल होता है सुख। वहीं यदि उसी पत्नी से हमें बार बार परेशानियां आती हैं, हमें हमारे किसी भी कार्य में वो सहयोग की बजाय असहयोग करते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपने उसके साथ ऐसा ही व्यवहार कभी किया था। यह कुछ भी अकारण घटित नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों इतना कष्ट मिल रहा है, हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसके द्वारा हमें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। तो इसमें आप यह पक्का समझ लीजिए कि आपने भी उसके साथ कभी किसी जन्म में ऐसा ही बर्ताव किया था। तो हमें सबसे पहले अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि कर्म किसी को माफ़ नहीं करते, वो हमें पहचान ही लेते हैं। चाहे हम इस मृत्यु लोक में रहें या अन्य कहीं किसी भी जगह पर रहें, कर्म हमें फल देने के लिए वहाँ पहुँच ही जाएंगे, वो हमें ढूंढ ही लेंगे। और किसी न किसी का सहारा लेकर के कोई ना कोई हमारे घर का सदस्य बनकर आ ही जाएगा। यदि आपने किसी को सताया है तो आपको सताया ही जाएगा। आज अगर हम गरीब हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने कभी किसी को दान नहीं किया था, हमने अपने धन का दुरुपयोग किया था, इसलिए धन हमसे आज छिन गया। हमने बहुत ज़्यादा अगर गाली गलौज किया है, किसी को प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है हमारी अपनी स्थिति आज गूंगे जैसी हो जाए। और जहाँ तक संतान का सवाल है, पुत्रों का सवाल है, तो न जाने कहाँ से कौन कौन सी आत्माएं हमारे पुत्र के रूप में आज हमारे सामने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पुत्र जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। पहला पुत्र होता है वो जो हमारी सेवा करता है। जो हमारी सेवा करता है तो इसका मतलब है कि हमने उस आत्मा की कभी ना कभी सेवा की है। वो अपना बदला चुकाने के लिए आया है और हमारी सेवा कर रहा है, और वो सारे जीवन करेगा। यदि हमारा पुत्र कोई ऐसा है तो ये हुआ देनदार पुत्र। अब एक लेने वाला पुत्र हो सकता है, हमारे आपके जीवन में हो तो वो क्या करेगा, उसे आपकी सेवा से कोई मतलब नहीं होगा। वो आपके धन को केवल बर्बाद करेगा, धन को फुसला के धमका के ले ही लेगा आपसे, और ले करके उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि आपने उसका धन इसी रूप में लेकर के बर्बाद किया था। तीसरा पुत्र वो होता है जो उदासीन होता है। उसे जब तक उसकी शादी नहीं होती वो तब तक आपका सहयोग करेगा, और शादी हो जाने के बाद उसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा आपसे। उसका अपना परिवार होगा, अपने परिवार को लेकर के वो अलग हो जाएगा, आपकी बुराई भी नहीं करेगा, आपको सताएगा भी नहीं, लेकिन आपकी मदद भी नहीं करेगा, आपके साथ में उसे कोई सहानुभूति नहीं होगी, वो एकदम उदासीन पुत्र होगा। और एक ऐसा पुत्र आएगा, यदि हमने किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को कष्ट दिया, सताया, उसको प्रताड़ित किया, उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया, तो वो पुत्र जो है हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक वैसा ही। वो आपके साथ एक दुश्मन के रूप में पेश आएगा, क्योंकि उस समय तो आप समर्थ थे, तो वो आपका कुछ नहीं कर सका था, और आपने मनमाने तरीके से उसको दुखी किया था, उसकी आत्मा को दुखी किया था। और आज परमात्मा ने वो मौका उसको दे दिया और वो आज अपना बदला चुका रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से हमें कैसे बचना चाहिए? तो सबसे पहले तो स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने में ही भलाई है, आप उसका प्रतिकार मत करिए, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसका कर्ज चुकाए बिना नहीं बच पाएंगे। जैसा आपने किया है वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तब भी वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस जन्म में बच जाएंगे तो अगले जन्म में आपका पीछा करेगा।
वो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी एक एक हरकत का बदला आपसे नहीं ले लेगा, तब तक वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो ये चार तरीके के पुत्र होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा शुभ कर्म करिए, पाप कर्मों को करने से बचिए। अब इन लोगों के साथ, इन सदस्यों के साथ हमें क्या करना चाहिए, कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ना तो लगाव पैदा करना है इनके प्रति और ना दुश्मनी का व्यवहार करना है इनके साथ। एक कर्तव्य मान करके आप व्यवहार करिए। उसके बाद ये क्या करते हैं वो करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उन्हें करने दीजिए। आप रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दिन पर दिन आपकी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और वो हर तरीके से आपको इतना प्रताड़ित करेगा वो पुत्र, जितना आपने उसे किया था किसी जन्म में। आप इनके साथ केवल एक कर्तव्य भाव रखिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जो शास्त्र सम्मत हो वो उनके साथ करिए और जो वो कर रहे हैं उन्हें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे ही मानस पुत्र हैं। ये हमको दुखी अथवा सुखी करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो वही काम कर रहे हैं जो उनके साथ हुआ था। अब इससे यदि आप दुखी होते हैं या आप सुखी होते हैं तो ये आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन चाहे आप हर्ष से स्वीकार कर लीजिए, चाहे आप मजबूरी में स्वीकार कर लीजिए, चाहे आप रो करके स्वीकार करिए, लेकिन स्वीकार तो आपको करना ही होगा। भोग लीजिए, अभी इसी जन्म में भोग लीजिए, वरना ये भी जन्म अगर निकल गया तो फिर और ब्याज लग जाएगा और अगले जन्म में भी इनका बदला आपको चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। तो आज इस अंक में मैंने आपको चार प्रकार के पुत्रों के बारे में बताया, और जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं तो उसके साथ भी आपने ऐसा ही किया था जैसा आज वो आपके साथ कर रहे हैं। दोष मत दीजिए किसी को, कोई शिकायत करने मत जाइए, क्योंकि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्मों का ही सभी फल पाते हैं और कोई किसी को दुखी अथवा सुखी कर ही नहीं सकता। यहाँ पर आप ईश्वर को भी दोष मत दीजिए, क्योंकि ईश्वर का तो एक कानून है, एक नियम है। अगर उस नियम का आपने उल्लंघन किया है तो उसके अनुसार जो भी सजा मुकर्रर होती है वो आपको मिलनी ही मिलनी है। इसलिए समझ लीजिए, सोच लीजिए, अच्छे से विचार कर लीजिए कि संसार में हमारा कौन है। इन चार प्रकार के पुत्रों और पत्नी के साथ में ये आप सापेक्ष निर्णय लीजिए कि ये हमारे नहीं हैं, हमसे लेने के लिए आए हैं या फिर हमें देने के लिए आए हैं। तो हमें लेना भी है और देना भी है। साथ में इनके साथ आपके क्या कर्तव्य हैं, आप अपने कर्तव्यों में कोई ढील मत आने दीजिए। अगर यहाँ भी आप चूक गए तो फिर एक नया कर्म और आप रच लेंगे जो आगे आपको पता नहीं कहाँ तक खींचेगा, लेकिन बच नहीं पाएंगे आप अपने इन कर्मों से। तो हमारा अपना यहाँ कौन है? हमारा अपना सिर्फ यहाँ पर ईश्वर है। आप जिसको भी मानते हो, जो भी आपके इष्ट हो, आप उनके चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए। अपने मन की शांति को भंग मत होने दीजिए ताकि इन कर्मों के कर्ज से आपका छुटकारा हो जाए। जितनी जल्दी छुटकारा हो जाएगा उतनी जल्दी आप सुखी हो जाएंगे। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है इससे। ये प्रकृति है और प्रकृति का अपना कानून है, और प्रकृति हमें अपने कर्मों को भोगने के लिए ही हमें विवश करती है। तो आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।